मोहल्ला करेंगे बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट स्कूल में काफी पहले से काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है। जितना शायद 25 साल में काम नहीं हुआ शायद वो अभी इतने 5 सालों में हो गया काम। हमारे यहाँ पे भी दो कैमरे लगे हुए हैं तो हर गली में दो कैमरे लगवा रहे हैं। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया सरकार आज तक आई नहीं, पहले आती तो और सुहान अल्लाह हो जाता। काम तो अच्छा रहा है पर ये जो बीजेपी सरकार है वो करने नहीं दे रही इसको काम। गवर्नमेंट स्कूल का स्तर इतना अच्छा नहीं हुआ, बिल्डिंग जरूर बड़ी चमचम हो गई है। अरविंद केजरीवाल उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल TNN वर्ल्ड, बेल आइकन दबाएं ताकि आप अपडेटेड रहें हमारी हर एक वीडियो से। नमस्कार, TNN वर्ल्ड के दिल्ली विधानसभा चुनाव स्पेशल में आपका स्वागत है। आज मैं मीनू वर्मा आप लोगों को लेकर आई हूं मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में और यहां लोगों से बातें करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में सबसे बेहतर सरकार किसकी है और उनके एरिया में MLA कौन है और उनका काम कैसा है। तो आइए उन्हीं से बातें करते हैं। आप अपने नाम बताएं। अमरजीत सिंह। अनिल कुमार। मेरा नाम KK मंगला है। मेरा नाम कमलजीत है। अमरजीत सिंह। डॉक्टर शमशाद मलिक। निसार अहमद जी, आप ये मालवीय नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने दिनों से रह रहे हैं? मैं मुझे एक 17-18 साल हो गई। अप्रोक्स मुझे 3 इयर्स हो गए यहाँ पर। मैं जी 2006 से रह रहा हूँ। दिल्ली में हो गए 40 साल हो गए कम से कम। मैं यहाँ पे जो है मेरा शॉप जो है पिछले 22 सालों से और रेजिडेंस मेरा जो है पिछले 15 सालों से है। अच्छा, तो आप यहाँ पर इतने सालों से रह रहे हैं, आपके MLA यहाँ पर कौन है? सोमनाथ भारती जी। फिलहाल कैसा काम है उनका? सोमनाथ भारती जी 2013 में भी आए थे और अब 2015 में भी। काम उनका ठीक ठाक ही है, नॉट सो गुड और नॉट सो बैड। सोमनाथ भारती जी, हाँ, उनका काम कैसा है? उनका काम मुझे थोड़ा बेटर लगा, लेकिन बेट मैं तो ये कहना चाहूँगा जैसे अपने यहाँ के CM है अरविंद केजरीवाल, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे अब अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह में जाते हैं अब हमें फ्री में मेडिसिन वगैरह मिल जाती है, स्कूल एजुकेशन वगैरह हम देखते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका। बाकी मैं उनके काम से काफ़ी इम्प्रेस हूँ। आते हैं वो इलेक्शन के बाद? इलेक्शन कम दिखाई देते हैं, कम दिखाई देते हैं। हर कोई बंदा जो भी जीत के जाता है वो दिखाई नहीं देता। सोमनाथ भारती 2 मिनट में आ जाएंगे, उनको फोन कर दो कि ये प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा, तो 2 मिनट में आ जाते हैं। अच्छा, तो कभी आपने कुछ कम्प्लेन की और काम हुआ? हाँ, कम्प्लेन करते हैं, काम होता है। अच्छा, कोई बात नहीं है, ना कोई परेशानी, जब भी हम बुलाते हैं वो मीटिंग यहाँ पे आती है, मीटिंग करते हैं, वो समस्या पूरी होती है। समस्या मतलब आपने कभी कम्प्लेन की और उन्होंने शायद उनका उसका निवारण किया हो? हाँ, निवारण किया, जैसा कम्प्लेन करी वो तुरंत आए हैं, मतलब आते हैं घूमते फिरते हैं, पाके जाते हैं। तो कभी कोई दिक्कत हुई हो, आपने कुछ काम कहा हो, उन्होंने किया? हमने जो काम पे कहा है तो काम मिला है, काम करा है, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो सब काम करते हैं, जब भी कुछ बोलते हैं फराक भी कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है तुम काम करो। हमें तो ये सीवर और ये सफाई का मुद्दा देखो, हमारे यहाँ पे सफाई देखो जरा, सारे जो भी है सफाई कर्मचारी कोई भी नहीं आता, 2-4 है बस, सब बाकी छुट्टी पर है, सब वो अपना बैठे हुए घर तनख्वाह ले रहे हैं। अच्छा, ये MCD दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, इन तीनों के बीच में दिल्ली वाले कहीं ना कहीं पिस जाते हैं तो? हाँ हाँ, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अदर पार्टी की होती है तो पिसते हैं। हाँ, पिस जाते हैं। तो अगर यहाँ पे कांग्रेस की है वहाँ पे BJP है तो काम नहीं होता तो, और सेम लेकिन यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी MP वगैरह कभी उन्होंने काम नहीं, हमें पता नहीं उनका फंड कहाँ पे लगा, आज तक नहीं पता हमें। दिल्ली में अभी चुनाव आने वाले हैं लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगी, 2015 से आम आदमी पार्टी की सरकार है, कैसा काम रहा है उनका? काम तो अच्छा रहा है पर ये जो BJP सरकार है वो करने नहीं दे रही इसको काम। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया सरकार आज तक आई नहीं, पहले आती तो और सुहान अल्लाह हो जाता। काम तो ऐसे देखो जी, सारे काम सही कर रहे हैं, जैसे कि अभी CCTV कैमरे लगवाए उन्होंने, ये अच्छा काम किया, कोई गाड़ी उड़ी अगर कोई चोरी वोरी होती है, उन्होंने सबसे बड़ा अच्छा काम किया। हमारे यहाँ पे भी 2 कैमरे लगे हुए हैं तो हर गली में 2 कैमरे लगवा रखे हैं, 4-4 कैमरे लगवा रखे, 1-2 इधर लगा रखे, 2 उधर लगा रखे, ये सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने, अच्छा काम किया। देखो, आम आदमी पार्टी का काम कैसा रहा है, कुछ जगहों पे तो बहुत ही सुपर एक्सीलेंट और बहुत बढ़िया रहा, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले मतलब मैं वैसे तो उनको अप्रिशिएट करता हूँ, कुछ चीज़ें जैसे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बेहतरीन काम हुआ, जो गवर्नमेंट स्कूलों में सुधार हुआ बेहतरीन हुआ, रोड पे भी कुछ कुछ काम नज़र आए, लेकिन ज़्यादातर टाइम उन्होंने अपने छोटे से काम का बड़ा प्रचार करने में निकाल दिया। अच्छा। और जो बड़े बड़े काम थे जो नहीं हो पाए उसको बोला कि ये वो नहीं करने दे रहा, BJP नहीं करने दे रही है, दूसरी पार्टी पे ब्लेम डालने, ब्लेम गेम चलता रहा है। डेंगू वगैरह हो रहा था, अब काफ़ी उसमें देखोगे आप काफ़ी कम पेशेंट हैं, उन चीज़ के ऊपर वो ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। नहीं, काम तो बहुत अच्छा रहा है इनका, लेकिन ये है कि दूसरी अदर्स गवर्नमेंट्स उसको अदर्स पार्टियाँ बना काम नहीं करने देती हैं, लेकिन काम बहुत अच्छा है। जितना शायद 25 साल में काम नहीं हुआ शायद वो अभी इतने 5 सालों में हो गया काम। बिजली का काम अच्छा है इनका, ठीक है ना, बिजली 24 घंटे रहती है, पहले बिजली चली जाती थी कट लग जाता था, दो दो चार चार घंटे लाइट नहीं आती थी, पानी की समस्या रहती थी, अब कोई पानी की समस्या नहीं है, कोई कुछ नहीं है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कई सारे काम किए हैं जिसका इस इलेक्शन में बात हो रहा है, जैसे बिजली बिल
पानी क्या लगता है काम हुआ है इस पर? हाँ बिजली तो देखो एक मिनट नहीं जाती है। अच्छा। नहीं तो पहले तो हमारे यहाँ पे तीन तीन दिन बिजली जाती थी कंटिन्यू। ये लगा लो कि हम यहाँ पे सोते थे कभी यहाँ पे गली में कभी कहीं कभी कहीं जाकर। तो बिजली का सप्लाई तो बेहतर हुआ है और बिल का क्या कहेंगे? बिल माफ? हाँ नहीं नहीं बिल का तो बहुत प्रॉब्लम वो शीला दीक्षित जी कर गई थी। जो दो महीने में बिल आता था वही एक महीने में आ रहा है। कम हुआ या फिर जो यूनिट तक फ्री है आपका फ्री हुआ है? हाँ, फ्री भी हुआ है। फ्री भी हुआ है। और पानी का? पानी का तो बिल्कुल ही फ्री है, बिल आते ही नहीं है। बिल आते ही है। नहीं उतना ही सेम ही आया अभी तो। सेम ही आया मतलब कम नहीं आया इस मंथ? कम नहीं आया। थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि बिजली के बिल जैसे जो लोग 400 यूनिट से कम यूज करते हैं उनका बहुत कम हुआ है। मेरा भी मतलब सर्दियों में कम आता है बट गर्मियों में तो एयर कंडीशन चलता है तो यू नो बिल अपर ही आता है, 7-8 हज़ार रुपए का आता है। अगर हम बात करें आपके घर से बच्चे वगैरह स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल का भी कहते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा चेंजिंग है, प्राइवेट स्कूल की तरह यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल है? हाँ बोलते हैं कि बहुत अच्छे स्कूल बने हैं, क्योंकि जिनके बच्चे जाते हैं वही बताते हैं कि बहुत अच्छी हो गए क्लासरूम, एसी भी लग गए हैं और साफ सफाई भी बहुत अच्छी है। और पढ़ाई वगैरह कैसे? पढ़ाई वगैरह भी अच्छी है, बुक्स भी मिल रही हैं सबको। मेरा छोटा बेटा है अभी तो अभी अप्रोक्स 1 ईयर का हुआ है। अच्छा, स्कूल नहीं जाते? हाँ जी। तो क्योंकि यहाँ पर स्कूल आपने सोचा होगा शायद स्कूल में नाम लिखाने का? नहीं, सुना जैसे मेरे रिलेटिव्स हैं काफ़ी और वो उनको पहले प्राइवेट स्कूल्स में वो जाते थे, उनको काफ़ी ज़्यादा उनको फीस वगैरह देनी पड़ती थी, लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी आए और ये देखा है मतलब उनके लिए बच्चों के लिए कुछ सीटें हैं प्राइवेट स्कूल्स में, वो गवर्नमेंट की तरफ से उनको ऑफर की हुई है, तो वो सब चीज़ मुझे उनकी बहुत अच्छी लगती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इवन गवर्नमेंट स्कूल का स्तर इतना अच्छा नहीं हुआ, बिल्डिंग जरूर बड़ी चमचम हो गई है कि बिल्डिंग बनाना कोई मुश्किल काम थोड़ी ना है, गवर्नमेंट के पास पैसा है बिल्डिंग बनाती, लेकिन उस बिल्डिंग के अंदर में जो शिक्षा का स्तर है वो अभी इतना ऊंचा नहीं गया है। गवर्नमेंट स्कूल में काफ़ी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका है, दिल्ली में मैंने ये चीज़ बहुत देखी है, मैं काफ़ी इंप्रेस हूँ उनसे। पहले से बहुत चेंज हुआ सर। पहले किस तरह से चेंज है? पढ़ाई बेहतर है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है, दोनों बेहतर है? पहले से तो खैर अभी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, स्कूल का अच्छा बेहतर, स्कूल का सही सब कुछ हुआ है, बहुत बढ़िया स्कूल का। किस तरह का डेवलपमेंट है वहाँ पर, पढ़ाई वगैरह? तो पढ़ाई का भी है, बन स्कूल नए स्कूल बन रहे हैं, अच्छा हिसाब किताब है, टीचर भी हैं, सफाई भी है, बहुत तरक्की हो रही है। जिम यहाँ ओपन जिम है हर जगह, जहाँ भी आप जाएं जिस भी पार्क में, उसका कुछ फायदा नजर आया आपको समाज में? पार्क भी अच्छा बन गया वैसे सब, पहले जैसे नहीं है, पहले से बहुत बेटर पार्क है, बच्चों के खेलने के लिए सब जो झूले वगैरह हैं वो सही लगा रखे, अच्छे लगा रखे। हर आदमी को फायदा हो रहा है? हाँ फायदा है, क्यों नहीं फायदा है, लोग जिम में जाते हैं इसी बहाने कसरत तो कराते हैं, और ना तो लोग कहते हैं कि 2000 रुपए जिम में खर्च कौन करेगा। अच्छा, यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक वगैरह भी कहते हैं बहुत ही बेहतर है, आपका भी गए? मोहल्ला क्लिनिक भी बहुत बढ़िया है। गए हैं आप? हाँ गए। किस तरह का वहाँ पर सुविधा है? सुविधा हर चीज की है, सुविधा जाते ही देखते हैं, कोई परेशानी है, सब चीजों की टेस्ट करते हैं, अच्छी तरह बताते हैं कि भाई क्या परेशानी है क्या है, ऐसे नहीं कि दवाई लिए और थोड़ी चीज भगा दिया, सब कुछ ठीक ठाक। मोहल्ला क्लिनिक तो देखो हमारे यहाँ पे अभी खुला है, कल सब लोग टेस्ट करवाने गए हैं, थायराइड वगैरह सब कुछ टेस्ट हुआ कल। आपको जान के हैरानी होगी हमारे एरिया का मोहल्ला क्लिनिक कब खुला, कब खुलता है, किसी को 80-90% लोगों को पता ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी की सरकार रह चुकी है, कांग्रेस की भी रह चुकी है और आम आदमी पार्टी की अब सरकार है, और आप शुरू से यहाँ पर रह रहे, तो आपको क्या लगता है दिल्ली के लिए अगर बात करें ऑल ओवर दिल्ली में तो सबसे बेहतर कौन रहा है? दिल्ली में तो आम आदमी ही रही है सबसे बेहतर, क्योंकि एमसीडी में तो 25 साल से बीजेपी है। अब ये देखो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन क्या है, ये अगर एक बिल्डिंग गिरे तो क्या होगा, किसी बॉम्बे से बुरा हाल होगा यहाँ पे। मेरे को लग रहा है बीजेपी अच्छा बेटर काम कर रही है। कांग्रेस की सरकार में क्या कोई भूखा नहीं मरा? अच्छा। हाँ अब देखो कितनी बेरोजगारी आ गई, कितनी महंगाई आ गई है, चाहे आम आदमी पार्टी वाले हों चाहे बीजेपी वाले हों, कांग्रेस की सरकार हमारे लिए, हालांकि हम सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस को वोट नहीं देते 84 के बाद। अच्छा ठीक है। Okay. पर फिर भी हमें थोड़ा कांग्रेस का ये था कि भी चलो बिजनेस अच्छा था सारे। दिल्ली के लिए तो मुझे आम आदमी से बेटर कोई नहीं लगा है, बाकी बीजेपी का मैंने देखा भी है, काफ़ी कुछ देखा है, बट उससे ज़्यादा हमको इतना फायदा नहीं मिला। इस टाइम तो देखो केजरीवाल आएगा, मेरे को नहीं लगता केजरीवाल जीते। आपको नहीं लगता? क्योंकि इनको ये जीतने ही नहीं देंगे। 2020 के चुनाव में क्या होगा, क्योंकि 2020 में तीनों आमने सामने जी, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा आना चाहिए। आम आदमी का ज्यादा लग रहा है जो विधानसभा के लिए, तो आम आदमी पार्टी। देखो अगर मैं पर्सनल लेवल पर जाऊँ की मेरा पानी का बिल कम आता है, बिजली का बिल कम आता है, तो लगता है ऐसे आम आदमी पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन ऑल ओवर डेवलपमेंट में जाते लगता है कांग्रेस की पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन अब जो देश का डेवलपमेंट देख के चलता हूँ कि हाँ भी जो हमारी कंट्री की रेपुटेशन आज की तारीख में है, लगता है बीजेपी सबसे बेस्ट है। मुझे लग रहा है साथ आम आदमी काम पार्टी आएगी, उसे जीतेगा तो यही, लेकिन जहाँ भी होगी ना तो घमासान होगी, बहुत अच्छी तक करो।